तो दोस्तों आज हम एमएस वर्ड में कुछ इस तरीके से मल्टीपल स्टिकर डिजाइन बनाना सिखाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, धन्यवाद। तो सबसे पहले हमें एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। तो मैंने क्या किया है, एमएस वर्ड को पहले ओपन किया है। देखिए आप वो इस तरीके से कुछ डिजाइन बनाकर दिखाएंगे हम आपको एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड को मैंने ओपन किया है, यहाँ से हम एक नया पेज ले लेते हैं, कंट्रोल एन के साथ एक नया पेज ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने कंट्रोल एन के साथ एक नया पेज ले लिया, और सबसे पहले हमें जाना है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद हमें मार्जिन में जाना है, और यहाँ पे मार्जिन इसका कर देना है नैरो। नैरो मार्जिन करने के बाद अब हमें साइज में जाना है, और हमें इसे A4 साइज कर देना है। हाँ, A4 साइज करने के बाद अब हमें जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद अब सबसे पहले हमें जाना है शेप में। शेप में जाने के बाद यहाँ पे दिया है आपका रिटेंगल, रिटेंगल को हमें सेलेक्ट करके यहाँ पे एक रिटेंगल को ड्रा कर देना है हमें। इस तरीके से मैंने एक रिटेंगल को ड्रा कर दिया, और इसकी जो हाइट दिया है यहाँ पे, विड्थ दिया है यहाँ पे, इसको कर देना है 2.1। 2.1 करने के बाद यहाँ पे इसकी हाइट दे दें, ये विड्थ दे देनी है इसकी यहाँ पे 3.5। इसकी यहाँ पे हाइट देनी है 2.1, और इसकी विड्थ देनी है यानी चौड़ाई इसका देना है 3.5। ये देने के बाद हमें अब क्या करना है, हमें जाना है शेप फील में। यहाँ पे जाने के बाद ग्रेडियंट पे क्लिक करना है, और सबसे नीचे यहाँ पे दिया है मोर ग्रेडियंट, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया है आपका टू कलर, इस पर हमें क्लिक करना है, और वन वाले कलर में जा करके हमें रेड को सेलेक्ट कर लेना है, और दूसरे वाले कलर में जा करके हमें पीला वाले को सेलेक्ट कर लेना है। ये दोनों होने के बाद यहाँ से हमें ओके कर देना है। ये आपका कंप्लीट हुआ इतना। अब इसके बाद हमें बाहर क्लिक करने के बाद फिर हमें जाना है इंसर्ट में, शेप में जाना है। यहाँ पे आपको ये नंबर दिया है दूसरा, फोल्डेड कॉर्नर को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से इसे ड्रैग करके इसमें इस तरीके से आपको डिजाइन बना देना है। इसे हमें एडजस्ट कर लेना है। आप यहाँ पे मैंने इसे एडजस्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। ये एडजस्ट होने के बाद इस तरीके से आप एडजस्ट कर दीजिए ताकि अच्छा लगे देखने में। ये हमारा एडजस्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है, बाहर क्लिक कर देना है, और हमें इंसर्ट में जाना है, फिर शेप में जाना है, और यहाँ से हमें टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से पकड़ के हमें एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर देना है। ये होने के बाद हम इसके अंदर टेक्स्ट को ड्रा करेंगे। तो टेक्स्ट हमारा कैसे लिखाएगा, इसमें क्लिक कीजिए आप, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिजाइन आपको बनाना पड़ेगा स्टिकर का। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर आपको लिखना है नेम, यहाँ पे नेम हो गया। हमें कॉलम लगाना है, और शिफ्ट के साथ हमें माइनस को दबाए रखना है। ये यहाँ तक कुछ आएगा, आपको इंटर कर देना है। यहाँ पे फिर आपको एड्रेस लेना है, तो एड्रेस मैंने ले दिया यहाँ पे ADDRESH, एड्रेस मैंने रख दिया, और यहाँ पे मैंने कॉलम लगा दिया, और शिफ्ट बटन दबा करके हमें माइनस को दबाए रखना है। फिर हमें यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर तीसरा नंबर पर लिख देना है CLADDS, क्लास हो गया, कॉलम लगाना है, और हमें शिफ्ट बटन दबा करके माइनस को दबाए रखना है। कुछ इस तरीके से माइनस को दबाए रखना है, फिर हमें इंटर करना है, और फिर यहाँ पे एक, अब यहाँ पे माइनस को दबाए रखना था, यहाँ पे सेक्शन भी आपको लिखना है। तो यहाँ पे SEC सेक्शन मैंने लिख दिया, और फिर यहाँ पे शिफ्ट दबा करके मैंने इसे कुछ इस तरीके से लाइन ड्रा कर दिया। अब हमें यहाँ पे लिखना है रोल नंबर, मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिख देना है आपको कुछ इस तरीके से। रोल नंबर हो गया, कॉलम लगाइए, शिफ्ट बटन दबा करके हमें ये लाइन इस तरीके से ले लेना है। फिर ये होने के बाद थोड़ा सा बैक करके यहाँ पे सब्जेक्ट भी आपको लिखना है, या से यू भी सब्जेक्ट लिखिए, और फिर यहाँ पे माइनस प्रेस कीजिए आप शिफ्ट के साथ, इंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे आपका बचा है क्लास टीचर, तो हमें यहाँ पे सी, एक मिनट रुक जाइए, आप यहाँ से क्या करना है, इसे सेलेक्ट कीजिए थोड़ा सा, इसे यहाँ पे क्लास टीचर सी
एल ए डबल एस क्लास टी ई ए सी एच ई आर क्लास टीचर, कॉलम लगाइए और शिफ्ट के साथ हमें प्रेस करना है माइनस को। यहाँ पे हमें इसको सब को सेलेक्ट कर लेना है और होम में जाना है और यहाँ पे दिया है आपका लाइन स्पेसिंग, इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे 1.0 कर देना है। इतना होने के बाद अब इसे हमें यहाँ से छोटा कर देना है और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट इसमें कर लेते हैं और यहाँ से इटैलिक कर देते हैं, ये हमारा थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। ये होने के बाद अब हमें फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से जा करके इसमें नो फिल कर देंगे और फिर आउटलाइन में आकर के इसे नो आउटलाइन कर देंगे। इतना हमारा होने के बाद देखिए, इतना होने के बाद अब हमें यहाँ पे ला करके स्टिकर को रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे पूरे को हमें जाना है सेलेक्ट में और यहाँ पे दिया है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे हमें क्या करना है पूरे पूरे को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट होने के बाद इसे हम जा करके फॉर्मेट में और यहाँ पे ग्रुप कर देंगे। ग्रुप होने के बाद इसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, ये हमारा मल्टीपल यानी दो बन के आ जाएगा। और यहाँ से हमें क्या करना है, इसे एडजस्ट करके रख देना है और फिर हमें जाना है सेलेक्ट में और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ से जा करके हमें इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है और फिर वही काम हमारा फॉर्मेट में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे और इसे ग्रुप कर देंगे। अब हमारा क्या होगा, यहाँ से अब इन सब को सेलेक्ट करो और यहाँ से कॉपी कर दो इसे और यहाँ से पेस्ट कर दो, ये आपका डबल हो गया। तो इस तरीके से हम इसे रखते हुए यहाँ से चले जाएंगे। तो देखिए आपका कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनता हुआ चला जाएगा। आप यहाँ पे फिर आप पेस्ट कर दीजिए, इसे कॉपी करिए कंट्रोल सी से, कंट्रोल बी से पेस्ट कीजिए और यहाँ पे इसे नीचे की तरफ रख दीजिए। आप उसी तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। देखिए ये हमारा एडजस्ट हुआ कुछ इस तरीके से, फिर हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एक और पेस्ट हो जाएगा हमारा। फिर नीचे लेके आइए आप, एडजस्ट कीजिए इसे भी, फिर एक आप यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी से पेस्ट कीजिए, फिर ये हमारा एक आ गया। यहाँ से हमें इसे भी एडजस्ट कर लेना है, आप कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दीजिए। आप देखिए पूरा पूरा आपका एडजस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें कुछ स्टिकर को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें पिक्चर को लगाना है, तो हम इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, आपको पिक्चर यहाँ से मिल जाएगा। आप अपने डेस्कटॉप में रखेंगे तो यहाँ से मिल भी सकता है। हम अपने डेस्कटॉप में यहाँ पे देखिए इतना सारा पिक्चर को रखे हैं, तो बारी बारी से हम इस पर पिक्चर लगाना शुरू करते हैं। तो पहला नंबर हमारा ये वाला पिक्चर है, तो हम इसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। तो अभी हमारा ये हो गया, आ गया पिक्चर, ये आपका पिक्चर पीछे की तरफ आएगा। इसे हमें ऊपर लाने के लिए यहाँ पे दिया है टेक्स्ट वार्पिंग, इसे सेलेक्ट ही रहने देना है और हमें टेक्स्ट वार्पिंग पे आना है और यहाँ पे इसे हमें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है। तो ये हमारा क्या होगा, पिक्चर जो है ये ऊपर हो जाएगा और यहाँ से पकड़ के हम इसे छोटा कर देंगे और इसे यहाँ पे ला करके रख देंगे। अभी देखिए हमारा इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से इधर है, तो हम यहाँ से पकड़ के इसे इस साइड में कर देंगे और इसे ला करके हम एडजस्ट कर देंगे। तो देखिए कुछ हमारा इस तरीके से एडजस्ट हो गया, ये हमारा एक स्टिकर बनके तैयार हो गया। अब हमें दूसरा वाला लेके आना है, तो हम फिर इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे। तो यहाँ से हम जाते हैं अपने डेस्कटॉप में, एक हम यहाँ पे भी रखे हैं, यहाँ से मैंने इसको ले लिया एडजस्ट करके इंसर्ट कराओ। ये आने के बाद हमें फिर भी टेक्स्ट वार्पिंग पे जाना है, इन ऑफ टेक्स्ट कर देना है। ये हमारा पिक्चर जो होगा ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, इसे हम यहाँ से छोटा कर लेंगे कोने से पकड़ के और ले जा करके हम इसी में एडजस्ट कराएंगे। तो ये हमारा हो गया कुछ इस तरीके से, एडजस्ट करना है आपको इसे, यहाँ से इसे छोटा कर दीजिए आप पकड़ के थोड़ा सा और ले जा करके इसी में आपको रख देना है और कर्सर की मदद से आपको इसे एडजस्ट कर लेना है। तो हमारा कुछ इस तरीके से आपका हो गया, ये हमारा दो स्टिकर बनके तैयार हो गया। अब हमें तीसरा वाला इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर पे जाना है और यहाँ से आप बारी बारी से आप ले सकते हैं जो भी पिक्चर आप रखे हैं। तो हम यहाँ पे दूसरा वाला पिक्चर इंसर्ट कराते हैं,
अब यहाँ पे हम दूसरा वाला पिक्चर कुछ है इस तरीके से, हम यहाँ से ये वाला ले लेते हैं फोटो और यहाँ से इंसर्ट करा देते हैं। ये हमने यहाँ पे फिर जाना है टेक्स्ट वार्पिंग इन फोन ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से इस फोटो को छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट करके हमें कुछ इस तरीके से लगा देना है। तो मैंने यहाँ पे इस फोटो को भी यहाँ पे एडजस्ट करके लगा दिया है। फिर इंसर्ट में जाना है आपको, पिक्चर में जाना है और यहाँ से आप कोई दूसरा पिक्चर यहाँ से उठा के, जैसे ये गणेश जी का फोटो है, यहाँ से मैं यहाँ पे पेस्ट करना है। तो हमें इसे सेलेक्ट करो, यहाँ से फॉर्मेट में आ जाओ, टेक्स्ट वार्पिंग और इन फोन ऑफ टेक्स्ट कर देना है और यहाँ से पकड़ के हमें इस फोटो को छोटा कर देना है। थोड़ा छोटा हो गया हमारा, और ला करके हम इस तरीके से एडजस्ट करें। ये हमारा स्टिकर तैयार हुआ कुछ इस तरीके से। इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे, यहाँ से हम ये वाला फूल को ले लेते हैं, इंसर्ट कराएंगे हम, और फिर वह टेक्स्ट वार्पिंग इन फोन ऑफ टेक्स्ट इसे लाइए आप, छोटा कीजिए और यहाँ पे एडजस्ट करके लगा दीजिए। फिर हमें जाना है इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर पे जाना है, यहाँ से हम ये दूसरा पिक्चर को इंसर्ट करा लेते हैं। ये हमारा ये पिक्चर हो गया, इंसर्ट मैंने कराया। यहाँ पे टेक्स्ट वर्किंग पे जाके इन फोन ऑफ टेक्स्ट कर देना है। ये हमारा फिगर ऊपर आ गया, इसे हम यहाँ से पकड़ के छोटा कर देंगे और ला करके हमें इसे एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से हमें एडजस्ट कर लेना है यहाँ पे ला करके। ये देखिए हमारा ये भी एडजस्ट हो गया कुछ इस तरीके से। फिर हमें जाना है यहाँ पे, फिर इंसर्ट में जाना है, पिक्चर में जाना है और यहाँ से कोई भी आप दूसरा फिगर उठा, जैसे ये वाला हमारा फिगर है तो हम इसे ही उठा लेते हैं, यहाँ से इंसर्ट करा लेते हैं। फिर हमें वही काम करना है, टेक्स्ट वर्किंग में जाना है, इन्फोन टेक्स्ट करना है, इसे पकड़ के नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे हमें एडजस्ट करा के रख देना है। यहाँ पे मैंने इसे एडजस्ट करा दिया कुछ इस तरीके से, ये हमारा हो गया। फिर हम जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट में जाना है, पिक्चर में जाना है और यहाँ से कोई भी आप फिर दूसरा वाला सेलेक्ट करके सेट करा लो। फिर आ गया इन टेक्स्ट वार्पिंग इन फोन ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करना, नीचे की तरफ हम लेके आ जाएंगे इसे और यहाँ पे हमें इसे भी इस तरीके से लगा देना है। फिर हमें जाना है इंसर्ट पे, पिक्चर पे जाना है और फिर यहाँ से हमें कोई और शेप डिज़ाइन यहाँ से ले लेंगे। तो अब की बार हम कुछ इसको लेके चलते हैं। सेट कराया मैंने यहाँ पे टैक्स वार्पिंग इन फोन ऑफ टैक्स, इसको हम नीचे की तरफ लेके आते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। हमें इसे एडजस्ट करा लेना है, ये भी हमारा हो गया इस तरीके से। नीचे की तरफ आ रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए अभी हमारा ये एक बचा है। तो इसमें लाने के लिए हमें फिर इंसर्ट पे जाना पड़ेगा, पिक्चर में जाना पड़ेगा और यहाँ से आप कोई दूसरा वाला सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे हमारा ये वाला ले लीजिए, आप यहाँ से इंसर्ट करा दीजिए। ये भी हमारा गया है टैक्स वार्पिंग इन फोन ऑफ टैक्स। यहाँ से हम क्या करना है, इसे फिगर को छोटा कर देना है यहाँ से पकड़ के। तो मैंने क्या किया, यहाँ से फिगर को छोटा कर दिया इस तरीके से कुछ और यहाँ पे लगा दिया। इसे हमें डायरेक्शन को चेंज करना है, इसे पकड़ के हम इसे इस तरफ घुमा देंगे और यहाँ से पकड़ के इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे कुछ इस तरीके से। देखिए कितना सुंदर हमारा ये डिज़ाइन बन के, स्टिकर का डिज़ाइन बन के इस तरीके से आ गया कुछ इस तरीके से। देखिए आपको कितना अच्छा लग रहा होगा देखने में। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं इस तरीके से। हमारे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। देखिए आपको इस तरीके से बहुत ही आसानी तरीके से जो भी आपको बताया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, वीडियो बहुत ही आसान रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और धीरे धीरे आपको इसी तरीके से और सारा वीडियो बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा। तो धन्यवाद इतने के लिए।